Good morning, students. Today my topic is projectile. Projectile, the chapter number 10, kinesiology, biomechanics and sports. In projectile, the definitions is an object thrown into the space either horizontally or at an actual angle under the action of gravity is called projectile. There are two forces which act on a projectile: gravitational force, air resistance force. An air resistance force of an object varies greatly and is dependent on the object particular shape and the atmosphere conditions in which the object is released or projected. The path followed by the projectile is called trajectory or parabola and parabolic path. In the field of games and sports, there are many examples of projectile, such as the bullet fired from a rifle, pistol during the shootings, the arrow in the archery, putting the shot put, throwing hammer, discus, javelin in athlete, long jumper, high jumpers, and while performing jumps, etc. In the projectile, make the few angles like that, the horizontal and verticals. Some object throw and make the some angle like that, the 30 degrees, and sometimes throw and 45 and 60 degrees. Projectile में एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं और जो मोशन बनता है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल. एंड अगर हम थ्रो जो है ऊपर की तरफ देखते हैं 90 डिग्री पे, तो उसकी डिस्टेंस जीरो होगी. अगर हम थ्रो कुछ डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, तो हम थ्रो जब फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, तो वो 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे हम डालते हैं, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे लंबी दूरी अगर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है, ड्रॉप करता है, तो वो है 45 डिग्री. और 60 डिग्री, 90 डिग्री पे हम किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं या 90 डिग्री हम उसको फेंकते हैं, तो वो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी. अगर हम उसे 60 डिग्री पे फेंकते हैं, 30 डिग्री पे हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कम होगी. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है 45 डिग्री पे हम देखते हैं, तो उसकी अधिक होगी, 60 की 30 के पास होगी, 45 से कम होगी. 75 डिग्री पे हम अगर किसी
ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं 75 डिग्री पे, तो वो उसकी जो डिस्टेंस है वो भी कम होगी। तो प्लेन सरफेस में जो डिस्टेंस है वो 45 बेस्ट मानी जाती है। एंड इसमें जो है जो हॉरिजॉन्टल है और जो वेलोसिटी है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v, एंड फाइनल वेलोसिटी इज u। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो स्पीड उसकी डिस्टेंस भी कम होगी। अगर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी जो इनिशियल वेलोसिटी है v, उतनी डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो उतनी डिस्टेंस कम होगी। इसी तरीके से अगर हम जब वेलोसिटी v है तो उसकी एंडिंग जो वेलोसिटी होगी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं वो u रहेगी। जो भी वस्तु, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं स्पोर्ट्स में, तो उसकी वेलोसिटी 1 से लेकर 100 तक भी हो सकती है, लेकिन जो एंडिंग वेलोसिटी होगी वो डिफरेंस होगी। जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कम रहेगी। जब वो एंड होगा तो उसको जो एंडिंग वेलोसिटी होगी उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ए एक्सीलरेशन equal to t and displacement equal to s। ये हमारा साइंस में आ गया, लेकिन हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है ये स्पोर्ट्स में हम उसको कवर करेंगे। वेलोसिटी जो उसकी स्पीड होगी एंड जी जी फोर ग्रेविटी, ग्रेविटी इक्वल टू 9.81 मीटर अपॉन स्क्वायर एस स्क्वायर। हमारी जो भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, अगर एटमोस्फेयर में जो है वैक्यूम है तो उसकी नीचे आने की स्पीड भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू अर्थ के हिसाब से जो है जो ग्रेविटी जो लग रही है ऑब्जेक्ट पे वो 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के से वो स्पीड से वो नीचे आएगी। अगर ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, सपोज की चौक है, चौक को हम थ्रो करते हैं और जब भी चौक हम थ्रो करते हैं कभी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो उसकी 9.81 मीटर अपॉन स्क्वायर के हिसाब से वो नीचे आएगा, ग्रेविटी वहां पे लगेगी। अगर हम स्पोर्ट्स जो है प्लेन सरफेस की बजाय हम स्पोर्ट्स को जो है किसी पहाड़ी पे करवाते हैं, किसी माउंटेन पे हम उसको स्पोर्ट्स को जो है ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो वहां पर ग्रेविटी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू अर्थ के हिसाब से। मेरे कहने का तात्पर्य यह होगा कि अगर हम गोल्फ का गेम खेल रहे हैं, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं या हम किस तरह वहां पे जो है वॉलीबॉल का मैच है
या शूटिंग का वहां पे गेम स्पोर्ट्स चल रहा है, तो माउंटेन में पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रेविटी कम हो जाएगी। कैसे? वहां पे जो बॉल थ्रो होगी, जो बॉल को हम फेंकेंगे उसको नीचे आने में उसका जो है टाइमिंग कम हो जाएगा, वो कुछ देर तक वहां पे रहेगी, वहां की ग्रेविटी में थोड़ा फर्क पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू प्ले सरफेस, यहां पर ग्रेविटी का जो स्पीड होगी वो नीचे आने की 9.81 मीटर अपॉन एस स्क्वायर की स्पीड से नीचे भी आएगी। क्रिकेट का मैच चल रहा है, अगर वो प्ले सरफेस में है, क्रिकेट की बॉल ऊपर जाती है तो कुछ देर तक हवा में रहेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेन एरिया में। और अगर प्लेन सरफेस में एक नॉर्मल अर्थ में कहीं मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो बॉल जल्दी से नीचे आ जाती है ग्रेविटी की वजह से। तो ये कुछ हमारे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स थे। एंड रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल, सम स्पोर्ट आर डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। वंस अगेन इन द फील्ड ऑफ द राइफल शूटिंग, पिस्टल ड्यूरिंग शूटिंग द एरो इन आर्चरी, पुटिंग द शॉर्ट पुट, थ्रोइंग अ हैमर, डिस्कस जेवलिन एथलीट इन जेवलिन एथलीट, लॉन्ग जंप एंड वाइड परफॉर्मिंग जंप्स एटसेट्रा। वो प्रोजेक्टाइल मोशन पे ये गेम्स डिपेंड करते हैं। वंस अगेन द ट्रांजिटरी पथ, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम थ्रो करते हैं, वहां पर जो ऑब्जेक्ट अपना मैप बनाता है, पथ बनाता है, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। रिलेटेड दिस टॉपिक द पैराबोला, सब क्वेश्चन इन वन मास, व्हाट इज अ पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज द पथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज दिस पैराबोला, पैराबोलिक और ट्रांजिटरी पथ, दिस आंसर। वन मार्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वेश्चन द वन मार्क्स, टू मार्क्स में दे सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो व्हाट इज अ पथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो आंसर है पैराबोलिक एंड ट्रांजिटरी पथ। डिफाइन द ट्रांजिटरी, समटाइम्स द क्वेश्चन विल कम द टू मार्क्स, डिफाइन द ट्रांजिटरी, द फ्लाइट पथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट ट्रांजिटरी, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम्स फॉर टू मार्क्स। डिफाइन द ट्रांजिटरी, द फ्लाइट पथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट द ट्रांजिटरी। एंड रिलेटेड सब क्वेश्चन आफ्टर द कंप्लीट द टॉपिक टूडे, प्रोजेक्टाइल एंड एफेक्टिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल, फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल, ट्रांजिटरी, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोजेक्टाइल ट्रांजिटरी। नंबर वन, एंगल, एंगल ऑफ projection, how angle of the projection, this angle is 90 degree, okay, sometime 1% throw the object is 30 degree, these 30 degree,
the distance A B. This is the distance A B. The sum of that frozen 60 degree. Distance D L. And the angle of the 45 A J. This is the angle of the 90 degree vertical velocity, and the best angle in the surface is a 45 degree for the long distance. Opposite the 30 and 60 degree. अगर 45 डिस्टेंस 45 डिग्री पे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, लाइक दैट द जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन एंड क्रिकेट बॉल, गोल्फ, तो उसमें जो हम बॉल यूज करेंगे उसको जो हिट करेंगे, या फुटबॉल, सबसे लंबी डिस्टेंस से तब पहुंचेगी जब हम 45 डिग्री पर उसको हिट करेंगे। अगर हम 90 डिग्री पर हम उसको हिट करते हैं तो वह ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, वो ऊपर उछल कर नीचे आ जाएगी। अगर हम बॉल को जो है हिट करते हैं 30 डिग्री पे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो लंबी दूरी के लिए हम लोग जो है 45 डिग्री यूज करते हैं। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के साथ दिया गया है। साइंटिफिक इज द कैन बी सेड दैट द एंगल ऑफ 45 is the best angle for achieving maximum distance. Angle of projections. In angle of projections, any object when projected at the different angles as shown in the figures cover a different distance. When it is projected of the release at the angle of 30 degree, making a parabolic path. 30 डिग्री पे जो पैराबोलिक पथ बनेगा उसकी डिस्टेंस कम होगी। इन द पैराबोलिक पथ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट गया है उसने जो पथ बनाया है इन द पैराबोलिक पथ, दिस इज पैराबोलिक पथ। मेकिंग अ पैराबोलिक पथ इट इज अ कवर लेस डिस्टेंस like that the AB 30 degree. When it is projected at the angle of 60 degree, it covers a distance AC, and when it is released at the angle of 45, making a parabolic path is recovered the maximum distance. Okay, that is the initial velocity in all the cases is same, so the distance covered by an object implement such as a shot an object depend on the angle of release of the projectiles. Scientifically it is can be said that is the angle of 45 is the best angle for achieving maximum distance. If an object is projected at the angle of 90 degree, it does not cover any distance, but indeed fall on the same spot for the wear is the projected. Okay, so complete is the angle of projections, and after then the projectile height relevant.
projections, height, relevant to the landing surface. In the point, it is the height of the projection and the landing surface is equal. The release the object at the angle of 45. If the level of the landing surface is more than the height of projection, increase the angle of projection, which means it should be more than 45. If the level of the landing surface is less than 45, so the horizontal distance of an object depend on the relativity of the projection height and landing surface. For example, a golfer hitting a ball off the top of the hill would hit the further than the golfer at the bottom of the hill. The ball will stay in the air longer and thus will have the greater chance to gain. The ball will be stay in the air longer and thus will have a greater chance to gain distance. In javelin, to gain more distance, thrower holds the javelin up higher to create a greater height of release. In the point, in a plane surface, in plane surface, the 45 degree is the best for the long distance. Plane surface में अगर हम 45 degree पर किसी object को, किसी equipment को, javelin, discus, golf की ball, cricket की ball को अगर हम throw करते हैं, तो वो लंबी distance को कवर करता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन हाइट लिमिट टू द लैंडिंग सरफेस, इफ अगर हाइट अगर हमारी बढ़ जाती है, दिस इज अ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एरिया एंड लैंडिंग सरफेस. लैंडिंग surface projection, landing surface अगर down है, protected area जो है ऊंचा है वहां, तो वहां पर जो है हमारी 45 से जो angle है वो कम हो जाएगा. साबित, okay? 45 से अगर यहां पर हम किसी चीज को throw करते हैं, तो 45 से एंगल कम हो जाएगा, वो वस्तु अधिक घूम जाएगी. अगर हम 45 डिग्री पर हम किसी वस्तु को थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, तो वो पास गिरेगा. 60 डिग्री पर अगर हम किसी चीज को थ्रो करते हैं, तो और वो पास आ जाएगा. तो जो नॉर्म एरिया है वो हमें 45 डिग्री से कम रखना पड़ेगा. अगर हमें अगर हाइट ज्यादा है और लैंडिंग सरफेस कम है, मतलब हाइट से अगर हम किसी चीज को थ्रो करना चाह रहे हैं, तो उसका जो डिग्री है किस एंगल पे हम उसको फेंकेंगे, तो 45 डिग्री पे अगर हम फेंकते हैं तो वो वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो पास गिरेगा, उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी. लाइक दैट दिस इज अ 30 डिग्री, दिस इज अ 45,
एंड 60 डिग्री ओके 60 डिग्री में उतना ही पास है देखिए 45 में और पास हो रहा है और 30 डिग्री में 45 डिग्री करते हैं तो और हो जाएगा अगर सरफेस ऊंचा है और लैंडिंग एरिया कम है यहाँ से हमें थ्रो करनी बॉल इसी के अपोजिट रहता है हम लोग जो है प्रोटेक्शन एरिया जो है प्रोटेक्टाइल एरिया जो है वो ये नीचे है और लैंडिंग सरफेस ऊंचा है ओके तो लैंडिंग सरफेस 45 से कम होगा अगर आप देखेंगे ज्यादा होगा ज्यादा करेंगे हम लोग 45 डिग्री से हम लोग एंगल को बढ़ा लेंगे 45 डिग्री से ज्यादा अगर हम एंगल को करते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हाइट पर बहुत दूर तक जाएगी अकॉर्डिंग टू 45 डिग्री अगर हम फेंकते हैं तो पास ही गिर जाएगी 45 से ज्यादा 60 डिग्री है 75 डिग्री है 80 डिग्री है अगर हम उसमें हम किसी डिग्री पे हम किसी वस्तु को थ्रो करते हैं तो उतनी दूर जाएगी अगर सरफेस एरिया ऊंचा है अब हम ये जो हम पढ़ा रहे हैं सरफेस प्रोजेक्शन हाइट रिलेटेड टू द लैंडिंग सरफेस ये किस गेम से रिलेटेड जैसे कि गोल्फर गेम है शूटिंग गेम है और सपोज कि कोई टारगेट जो है हाइट पे है और जो टारगेट हाइट पे है और प्रोजेक्शन इक्विपमेंट जो है वो नीचे है जिसको प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्टाइल करना है तो उसमें हमें एंगल को बढ़ाना पड़ेगा 45 से ज़्यादा करना पड़ेगा तभी वो हाइट पे दूर तक जाएगा ऊपर तक जाएगा अगर कोई टारगेट जो है नीचे है तली पे है मतलब एक बेस पे है और प्रोजेक्शन एरिया जो है ऊपर है वहां से हमें प्रोजेक्ट करना है किसी हाइट से किसी चीज को प्रोजेक्ट करना है तो हमें जो है डिग्री घटानी पड़ेगी 45 से नीचे रखनी पड़ेगी तब वो दूर तक पहुंचेगी वहां पर तो गोल्फ में भी यूज कर सकते हैं शूटिंग में भी कर सकते हैं टारगेट जिस जगह टारगेट हमें जो है सेट करना है उस जगह हमें इस प्रोजेक्शन के जो ये सेकेंड फंडामेंटल है स्किल्स है जो इसका जो इसका रूल जो है वो हमें सेकेंड रूल को जो है फॉलो करना है कि हमें अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा और प्लेन सरफेस है तो 45 डिग्री है सफिशियंट बेस्ट सो नेक्स्ट जैवलिन थ्रो गेम जैवलिन की जो एथलीट का जो गेम है उसमें हम जैवलिन को जो है नीचे से पकड़ने की बजाय हम ऊपर से उसको पकड़ते हैं जैवलिन इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उसकी जो एंगल है उसको हमें बढ़ाना है क्योंकि हमें थ्रो ऊपर की तरफ करना है जब हमें जैवलिन से थ्रो ऊपर की तरफ करना है जैवलिन हमें थ्रो करना है तो तभी हम उस स्टिक को जो है उस स्टिक को हम ऊपर से पकड़ते हैं नीचे से नहीं पकड़ते नीचे से पकड़ेंगे तो एंगल कम बनेगा एंगल कम करेगा तो पास ही गिर जाएगा ठीक है अगर हमें ऊंचा काफी हाइट पर फेंकनी है जैवलिन को तो हमें ऊपर से पकड़ना है ग्रिप ऊपर से रखेंगे जहां पे उसका जो है फेस है उसके नीचे थोड़ा सा ओके स्टूडेंट टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल्स एंड सम टॉपिक आर लेफ्ट द पॉइंट ऑफ द लेफ्ट इनिशियल वेलोसिटी ग्रेविटी एंड द एयर रेजिस्टेंस सो आई विल teach tomorrow and related some question I will give your assignment projectile and angle of projections projection height relevant to the landing surface so I will give you 1 mark 2 mark and 3 mark aap log apni copy mein karenge proper tarike se karenge aur acche se usko jo hai taiyar bhi karenge I will check your copy class 12th in a Saturday and jo bachche offline dekh rahe hain unko to जो पढ़ रहे हैं उनको तो कॉपी ही चेक होगी और जो ऑनलाइन है उनको मैं असल पे उसको चेक कर लूंगा अटेंडेंस की बिहाफ पे चलेगी और आप उसका ध्यान रखें सब क्वेश्चन आर रिलेटेड 1 mark द
like that, the what is the path of the projectile motions? आप लोग ध्यान रखिए इसका, what is part of the projection motions in the one mass? Answer is the parabolic or projectile path and parabolic. ठीक है, and u is the initial velocity. Sometimes question will come in the objective type question MCQ. What is the u? What is the u in the projections, projectiles? So initial velocity and v. What is the v? Final velocity and u a accelerations, t time, f displacement. And some question are comes like that, the defined trajectory. Question आ सकता है defined trajectory. The flight path followed by the projectile is called is the trajectory. Next question, very important. What do you mean by the sports biomechanic? What do you mean by the sports biomechanic? The sports biomechanic is the study of the forces and the stresses of human movements and their effect of athletes performance and safety. Okay, this answer in 2 mark question and 3 mark question. 2 mark में क्या सकता है? Explain gravity. हो सकता है कि आ जाए gravity, क्योंकि जो हमारा जो chapters है physics related है, gravity है, initial velocity है, horizontal surface है, vertical velocity है, ये इसमें कवर हो सकता है. एयर रेजिस्टेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और कुछ नई तरीके से हम पढ़ेंगे. लर्निंग आपके साथ साथ मुझे ही मेहनत करनी पड़ रही है, क्वेश्चन तैयार करने पड़ रहे हैं आपके लिए, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तैयार करने पड़ रहे हैं. पेपर बुक से नहीं बनेगा, पेपर चैप्टर के बीच में से ही बन जाएगा. जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द पथ ऑफ द प्रोजेक्शंस प्रोजेक्टाइल मोशंस, तो क्वेश्चन नहीं है बुक में. आप ढूंढेंगे बुक में, ढूंढने लगेंगे कि ये क्वेश्चन मिल जाए, सर ने बताया था. लेकिन आप जो बुक में पढ़ रहे हैं, कई बच्चे दो तरीके से होते हैं. एक तो जो पूरे होल चैप्टर्स को तैयार करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं. तो अब वो नहीं है, अब तो बुक में से कहीं से भी उठा के दे सकते हैं. और जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज द पथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक एंड ट्रांजिटरी पथ. नेक्स्ट ग्रेविटी, व्हाट इज द ग्रेविटी, एक्सप्लेन ग्रेविटी, डिफाइन ग्रेविटी. ग्रेविटी के बारे में पूछ लेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाता है तो उसको नीचे आने में कितना समय लगता है, जिस स्पीड से वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी स्पीड तो दे देंगे आपको, लेकिन एक नॉर्मल ग्रेविटी जो लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे उसका क्या होगा, तो उसका क्या है, उसका आंसर दे सकते हैं उसमें. जैसे कि 9 ऑब्जेक्टिव में आ गया 9.81, 7.81, 6.81, इनमें से कोई नहीं, तो क्वेश्चन उसका आंसर क्या होगा, 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. इस स्पीड से नीचे आती है कोई वस्तु, सपोज कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, उसकी स्पीड कोई भी हो सकती है, कितनी फोर्स से आप फेंक सकते हैं उसको, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी जो उस पर लगेगी, जिस स्पीड से वो नीचे आएगा, वो स्पीड होगी 9.81 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. तो इसका ध्यान रखना है आपको. और एक चीज और है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही बन सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं और ऊपर वैक्यूम है तो क्या वो नीचे आएगी, वो तैरती रहेगी. ठीक है, और अगर वैक्यूम नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है, वैक्यूम का अलग क्षेत्र है और अर्थ का अलग है. अर्थ अपने ग्रेविटी पावर से उसको जो है फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अगर ग्रेविटी अर्थ में है, अगर मैचेस जो है, मैंने भी आपको बताया था इससे पहले, मैंने पढ़ाया, अगर मैचेस जो है माउंटेन में हो रहे हैं, पहाड़ पे हो रहे हैं, हाइट पे हो रहे हैं कहीं, तो वहां पे ग्रेविटी कितनी होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कम हो जाएगी. जितनी देर यहां पर बॉल हवा में, यहां पे बॉल जैसे हम कोई शॉट लगाते हैं, यहां पे बॉल एकदम से नीचे आ जाती है ग्रेविटी पावर की वजह से, लेकिन
जो हाइट पे अगर मैचेस हो रहे हैं तो बॉल थोड़ी देर हवा में रुकती है, हल्का सा दिखाई नहीं देती, पता नहीं चलता, लेकिन हाइट पे रहेगी, वहां ग्रेविटी कम लगेगी, ये कारण है। और ऊपर चले जाएंगे और ग्रेविटी कम हो जाएगी, मून पे चले जाएंगे वहां ग्रेविटी है नहीं, है ना। तो ये चीज है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस, इसको मैं कर बताऊंगा आपको। डिफाइन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन नहीं है बुक में लेकिन होता है। तो डिफाइन वेलोसिटी में क्या होगा, वन मास या टू मास में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ओके। एंड व्हाट इज द, एक फाइव मास का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से फाइव मास का क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, ये क्वेश्चन आपका बनता है, ये हमारा सिलेबस चल रहा है, उस पर उसको पढ़िए, मैंने थोड़ा जितना समझा है उसको समझिए, और वीडियो को भी देख सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन फाइव मार्क्स का आप लिख सकते हैं, और अदरवाइज व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। हमारा कंप्लीट है यहाँ पर, कल जो थ्री टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।